नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने एफआईआर दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर माफी मांगी। दरअसल उन्होंने चहल के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के लिए इस्तेमाल किए गए जाति सूचक शब्द पर माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी और कहा, मैंने अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत किया, मुझे इसका दुख है। यूवी ने लिखा, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं रंग, जाति, पंथ के आधार पर किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं करता। मैंने लोगों की भलाई के लिए जिंदगी जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूं। मैं जीवन की गरिमा में विश्वास करता हूं और बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उस वक्त मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, जो अनुचित था। हालांकि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अनजाने में अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे इसका खेद है। दरअसल कोरोना की वजह से लगे देशव्यापी लॉकडाउन में कई क्रिकेटर सोशल मीडिया के जरिए लाइव चैट कर एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे थे। ऐसे ही एक लाइव वीडियो में रोहित शर्मा और युवराज सिंह चैट कर रहे थे और तभी कुलदीप और चहल की बात होने लगी। उसी पर बातों बातों में युवराज ने चहल के लिए एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि उस वक्त इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कुछ वक्त बाद वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने युवराज की इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, देखते देखते युवराज सिंह माफी मांगो ट्रेंड करने लगा। मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसको लेकर हरियाणा में युवराज के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई और मामला दर्ज कराया गया। अब जब युवराज ने सार्वजनिक तौर पर सभी से माफी मांग ली है तो उम्मीद है कि वे कानूनी विवाद से बच जाएंगे।